ट्रेन में सफर करने से पहले रेलवे की तरफ से न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया है। क्या है न्यू गाइडलाइंस, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना महामारी का संक्रमण एक बार फिर से देश में कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ट्रेन में सफर करने के दौरान प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिछले साल भारतीय रेलवे ने संक्रमण बढ़ने के साथ साथ देश भर में यात्री ट्रेन सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई। बाद में धीरे धीरे सेवाएँ शुरू की गई और लगभग 65% से ज़्यादा ट्रेन पटरी पे आ चुकी है। ट्रेन सेवा के शुरू होने से लोगों ने चैन की सांस ली है। फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भारतीय रेलवे ने फिर से लोगों को तमाम जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल समेत कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रेल मंत्रालय की ओर से एक बार फिर से यात्रियों को कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा गया है। खासकर राज्यों की ओर से गाइडलाइंस को ध्यान रखना जरूरी है। मंत्रालय ने इस बार ट्वीट किया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि कोविड-19 को मध्य यात्रियों से अपील है कि यात्रा करने से पहले विभिन्न राज्य द्वारा जारी स्थान सलाह संबंधित निर्देशानुसार को पढ़ ले। ट्वीट में स्पष्ट कहा गया है कि यात्री ट्रेन में सफर करने से पहले राज्यों के दिशा निर्देश पढ़ ले, खास करके वो जिस राज्य में जहाँ जा रहे हैं उस राज्य को दिशा निर्देश जरूर पढ़े। बढ़ते मामले के बीच कई राज्यों में सरकारों ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है। जैसे कुछ राज्य में एंट्री के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे यात्रियों की सुरक्षा और कोरोना से मिलकर लड़ने के लिए किया गया है। हाल के दिनों में कई राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इसको लेकर कई राज्यों में दोबारा सख्ती कर दी गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं पंजाब के अमृतसर में सार्वजनिक समारोहों में वैक्सीन सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। ऐसे में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता बरत रही है। पूर्व मध्य रेलवे समेत कई जोनल रेलवे की ओर से एडवाइज जारी की गई है। स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग, मास्क पहनने जैसे नियमों को सख्ती को पालन करना जरूरी है। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगा। 17 मार्च से ही यह व्यवस्था लागू होगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उनके पास रिपोर्ट नहीं होगी, उनका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड-19 सेंटर भेज दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।